हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लोकेन टॉक्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलेक्सा वर्सेस गूगल असिस्टेंट में। दोनों को हमने अपने अपने फ़ोन में सेट कर दिया है, और अगर आपको नहीं पता कि एलेक्सा को अपने फ़ोन में डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट कैसे सेट करना है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो ये एक तरफ हमारे है गूगल असिस्टेंट राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में है एलेक्सा। तो हम दोनों से ही कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा सही आंसर देता है दोनों में से। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Who is the Prime Minister of India? India's Prime Minister is Narendra Modi. Narendra Modi is the Prime Minister of India. How old is he? He is 69 years old. Narendra Modi is 69 years old. What is his mother's name? Narendra Modi's mother is Hirabein Modi. Hirabein Modi. चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं वेदर से रिलेटेड। How is the weather outside? Is there any chance of rain tonight? No rain is expected in New Delhi tonight. There's only a low chance of rain. तो अभी तक बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है इन दोनों के बारे में। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो है एक कोई हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। When was the Battle of Haldighati fought? The Battle of Haldighati was a battle fought on the 18th of June 1576 between cavalry and archers supporting the Rana of Mewar. Who was the son of Maharana Pratap? Maharana Pratap's sons include Amar Singh I, Kumar Maharana Pratap's sons are Amar Singh I and Karan Singh. तो अभी तक दोनों में बिल्कुल ही नेक टू नेक चल रहा है, दोनों बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेंगे जो कोई डिस्टेंस है यहाँ हमारे घर के आसपास से। तो मैं पूछता हूँ इनसे कि इंडिया गेट कितना दूर है। हाउ फार इज इंडिया गेट? आई डोंट नो दैट। इफ यू ड्राइव इंडिया गेट, हाउ फार इज इंडिया गेट? इंडिया गेट इज 16.4 किलोमीटर्स अवे बाय कार। तो दोनों ने ही अलग अलग बताया है, एक बता रहा है 20 किलोमीटर और एक बता रहा है 16 किलोमीटर। तो पता नहीं कौन सही है, चलिए इनसे पूछ लेते हैं, नेविगेट करके बताएंगे कि नहीं। नेविगेट मी टू इंडिया गेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट ने नेविगेशन यानी मैप्स को ऑन कर दिया और उसने मेरा नेविगेशन चालू कर दिया, लेकिन एलेक्सा ये नहीं कर पाया। तो ये एक विन हो गई है गूगल असिस्टेंट के लिए। ये दोनों से कोई नंबर डायल करवा के देख लेते हैं। कॉल एयरटेल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एलेक्सा को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने उसमें कॉन्टेक्ट्स को जो परमिशन है वो अलाउ कर दी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं ढूंढ पा रहा। वहीं अगर आप देखेंगे तो गूगल असिस्टेंट अच्छे से काम कर रहा है। चलिए अब दोनों से एक जीके का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कौन बता पाएगा। हाउ फार इज मून फ्रॉम अर्थ? पता नहीं गूगल असिस्टेंट को क्या हो गया, चलिए दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हाउ फार इज मून फ्रॉम अर्थ? यहां आप देखते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है, जहां एलेक्सा कह रहा है कि मून जो आज की डेट में इतना डिस्टेंस है, वहीं गूगल असिस्टेंट कुछ और ही डिस्टेंस बता रहा है। तो शायद एलेक्सा बता रहा है कि आज की पोजीशन के हिसाब से कितना है, और गूगल असिस्टेंट जो नॉर्मल जो एवरेज डिस्टेंस है उसके हिसाब से बता रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए एक और जीके का क्वेश्चन इनसे पूछ लेते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया? Including Andaman and Nicobar Islands Union Territory, ये भी पता नहीं क्या के असम एंड बिहार। दोनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, जहां एक तरफ गूगल असिस्टेंट कह रहा है 29 स्टेट्स हैं, वहीं एलेक्सा कह रहा है 28 स्टेट्स हैं। तो ये पता नहीं कैसे है, पर जो भी है यही है। चलिए अब इन दोनों से एक अलार्म सेट करने के लिए बोल देते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों अलार्म सेट कर पाएंगे नहीं।
Set an alarm for 6 a.m. in the morning. तो अलार्म दोनों ने सेट कर दिया है, तो दोनों काफ़ी नेक टू नेक चल रहे थे। बस जो एक पॉइंट जहाँ पे एलेक्सा हार गया वो था जो वो नेविगेशन नहीं कर पाया, जबकि उसने डिस्टेंस तो बता दिया था लेकिन नेविगेट नहीं कर पाया। वहीं गूगल असिस्टेंट ने नेविगेशन भी ऑन कर दिया था। तो दोनों ही बराबर हैं, ज़्यादातर आंसर दोनों सही कर देते हैं, लेकिन डिफरेंस वही है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक और चीज़ है जो ये नहीं कर पाते, वो है यूट्यूब से वीडियो प्ले करना। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। प्ले तेरी मिट्टी सॉन्ग फ्रॉम यूट्यूब। I couldn't find any enabled video skills that can do that. Go to the Alexa app to manage your video skills and devices. I'm proud to say that I've lost around 30 kg. तो ये आप देख सकते हैं कि गूगल असिस्टेंट ने यूट्यूब पे वीडियो प्ले कर दी थी लेकिन एलेक्सा ये भी नहीं कर पाया। यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ओपन करने वाली जहां बात आ जाती है वहां एलेक्सा गूगल असिस्टेंट से हार जाता है। यानी वो सिर्फ अपने अंदर ही कुछ प्ले कर सकता है, सॉन्ग्स के लिए भी कहेंगे तो वो अमेज़ोन एलेक्सा म्यूज़िक या फिर अमेज़ोन म्यूज़िक पर ही सॉन्ग्स को प्ले कर पाएगा। वहीं गूगल प्ले स्टोर या फिर गूगल असिस्टेंट बाकी एप्लीकेशन के थ्रू आपके सॉन्ग्स को प्ले कर पाएगा। तो ये दोनों में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डिफरेंस थे। तो ये था कंपैरिजन के गूगल असिस्टेंट वर्सेस गूगल असिस्टेंट वर्सेस एलेक्सा में कौन बेहतर है।